हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडीज हब पर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे चैनल पर, उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है। आज आपको एक और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका जो भी आंसर हुआ करे उसको कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बताया कीजिए, ताकि और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो भी आंसर को पढ़ सकें, ठीक है। एक दूसरे के जवाब पढ़ने से, देखने से आइडियाज डेवलप होते हैं, ओपिनियन डेवलप होता है। तो कोशिश कीजिए आप अपना जो भी आंसर है वहीं लिखिए और हेजिटेट मत करिए, ठीक है। हेजिटेट नहीं भी करना चाहिए लाइफ में, हेजिटेशन हमें सक्सेसफुल होने से रोकता है। तो वहीं आंसर अपना लिखिए आप। जो लास्ट क्वेश्चन था उसके आंसर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स दिए हैं, बैलेंस्ड आंसर दिए थे, ठीक है। तो आज की सिचुएशन को ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, दो ट्रैक्स हैं, राइट, रेलवे के ट्रैक हैं। एक ट्रैक अबेंडेंट ट्रैक है जो यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, उस पर अब ट्रेन्स नहीं चलती हैं, वो अबेंडेंट ट्रैक है, वो अब रेगुलर यूज में नहीं है, उस पर कोई ट्रेन नहीं आती है, ठीक है। और उससे थोड़ा ही दूर एक पास में एक रेगुलर ट्रैक है जिस पर रेगुलरली ट्रेन्स चलती हैं, ओके। तो जो अबेंडन वाला ट्रैक है उस पर एक बच्चा खेल रहा है, एक छोटा बच्चा उस ट्रैक पे खेल रहा है जो अबेंडन है, जिस पर ट्रेन्स नहीं आती हैं। और जो रेगुलर वाला ट्रैक है जिस पर रेगुलरली ट्रेन्स चलती हैं, जो यूज़ में है अभी, उस पर 10 बच्चे खेल रहे हैं उस ट्रैक पर। अब होता क्या है, सामने से एक ट्रेन आ रही है, जो रेगुलर वाला ट्रैक है जिस पर रेगुलरली ट्रेन्स चलती हैं, उस ट्रैक पे एक ट्रेन आ रही है सामने से। थोड़ी ही दूर में एक गार्ड रूम है, वहाँ से एक गार्ड जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं वो इस सिचुएशन को देख पा रहे हैं कि 10 बच्चे खेल रहे हैं रेगुलर ट्रैक पे और अबेंडेंट ट्रैक पर एक बच्चा खेल रहा है, वो इस सिचुएशन को देख पा रहे हैं, ठीक है। उनके पास एक लिवर है, उसे वो टर्न करेंगे तो जो ट्रेन आ रही है रेगुलर ट्रैक पे वो मूव कर जाएगी अबेंडेंट ट्रैक की तरफ, जो ट्रैक यूज नहीं हो रहा है, जहाँ एक बच्चा खेल रहा है वो ट्रेन वहां मूव कर सकती है, ठीक है, उनके पास ये ऑप्शन है। तो अब आप अपने आप को उस गार्ड की जगह पर रखिए, और अगर आप उसकी जगह पे होते, उस इंसान की जगह, गार्ड की जगह, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेप उठाते, ये आपने बताना है। ट्रेन को सीधे आने देते या ट्रेन को डाइवर्ट करते, अबेंडेंट ट्रैक की तरफ मूव कर देते, क्या स्टेप लेते, ठीक है। क्योंकि देखिए, ब्रेक नहीं लगाई जा सकती है, ट्रेन अप्रोच कर चुकी हो और अचानक से ब्रेक लगाने से ट्रेन पलट भी सकती है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाता है, जो कोचेज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं अचानक से ब्रेक लगाने से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये आप बताइए, आपको तय करना है, ठीक है। तो आपको जो भी आंसर हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आपके लिए ही सिचुएशंस ही क्रिएट की जा रही हैं और आपको बताई जा रही हैं, ताकि आपका जो रेशनल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाए, आपका कॉग्निटिव माइंड सिचुएशंस को परसीव करना सीखे। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनके व्यूज़ भी जानिए, वो क्या इस सिचुएशन का आंसर देते हैं, ठीक है। आंसर ज़रूर दीजिएगा, शाम को डिस्कस करेंगे हम इसका आंसर। थैंक यू।